अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, मैच्योर है या पिगमेंटेड है, या सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में प्रॉब्लम रहती है टैनिंग की, तो अगर टैंड है, सनबर्न स्किन है, तो मैंगो इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर स्किन। तो आज हम देखेंगे कैसे मैंगो को डिफरेंट तरह से मिक्स करके या डिफरेंट तरह से यूज़ करके आप अपने स्किन की रंगत निखार सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, और साथ में अगर आप दिन भर के थके होते हैं और रात को कहीं पार्टी में जाना है, तो जस्ट बाय अप्लाइंग अ मैंगो पैक अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम नाइस टिप्स। दिस इज द मैंगो पल्प जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है। तो मैंगो का एक पोर्शन लेना है, और अगर आपकी स्किन पे बहुत टैनिंग है, बिल्कुल बेजान त्वचा हो रही है, तो शुगर जो कि इस समय ब्राउन शुगर हम यूज़ कर रहे हैं, ब्राउन शुगर इज़ अ ग्रेट एक्सफोलिएटर। ब्राउन शुगर आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स तो देता ही है, साथ ही साथ में ये आपकी स्किन के अंदर एक्सफोलिएशन यानी कि डेड स्किन को हटाने के लिए भी बहुत कामयाब है। तो आपने दोनों को मिक्स कर कर अच्छी तरह से आपस में ब्लेंड करना है, और इसके बाद 5 मिनट तक इसको फ्रिज में रख कर छोड़ना है। जब ये चिल्ड हो जाएगा तो जहाँ जहाँ पे भी आपको टैनिंग है स्किन के ऊपर, या पिगमेंटेशन है, या आपको लगता है कि फेस के ऊपर, या कई बार हो सकता है हाथों पे भी आपको टैनिंग आ जाए, या कोहनियों के ऊपर कालापन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये जो ब्राउन शुगर का और मैंगो पल्प का जो मिक्सचर है, दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग, मस्ट ट्राई। स्किन पे इस पैक को लगाकर जब आप हटा रहे हैं, तो 20 मिनट बाद आप बहुत सॉफ्टली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हुए इस पैक को हटाना है। इससे जो आपकी स्किन के अंदर डेड स्किन है वो भी साथ में एक्सफोलिएट हो जाती है, जो आपके पोर्स क्लॉग्ड होते हैं वो भी खुल जाते हैं, इवन जो आपकी स्किन के अंदर कई बार ग्लो नहीं रहता, तो मसाज के दौरान बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आता है, बिकॉज ब्राउन शुगर और मैंगो का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इवन रिलैक्सेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है ये। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल बेजान है, या ढीली हो गई है, या रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो गर्मियों में अपनी स्किन को कैसे आप टाइट रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, तो बहुत इजी पैक बनाना हम बता रहे हैं उसके बारे में। इसके लिए हमें मैंगो पल्प तो चाहिए ही, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं मैंगो के खजाने के बारे में। तो मैंगो पल्प आप ले रहे हैं, और साथ में हम उसमें ले रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इज़ वेरी गुड बिकॉज इसमें जो लैक्टो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन को टाइटनिंग और वाइटनिंग के बहुत काम आते हैं। तो हमने साथ में मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो आप चाहें तो इसमें बादाम को भी पीस कर डाल सकते हैं। अगर इस समय आपको लगता है कि आपकी स्किन के अंदर डेड स्किन है और आप और ज़्यादा इसको ग्लो अप करना चाहते हैं, तो उस समय अगर आप चाहें तो ओटमील मतलब जो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, अगर आप स्लिमिंग के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, तो ओटमील को भी आप इस समय मिक्स कर कर इसका पैक बना सकते हैं। सिमिलरली हमने इसको अप्लाई करना है पूरे फेस के ऊपर। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ना है हमने 20 मिनट पर। मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा है, या जहाँ पे आपको लूज स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे आईज़ के नीचे, तो वहाँ पर इसकी जो लेयर है थोड़ी मोटी लगाएं। स्किन को टाइट करने के लिए और ब्राइट करने के लिए दिस पैक इज़ वेरी एक्सीलेंट, जिसको हम बेसिकली लैक्टो मैंगो पैक बोलते हैं। तो जब भी आप लैक्टो मैंगो पैक लगाते हैं, इसके बाद उतारते हो, अगर हो सके और आपके पास एक्सफोलिएशन मशीन है, इट इज़ वेरी गुड फॉर दिस पैक रिमूवल। इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने स्किन के ऊपर ये ब्रश जो कि इस समय ऑन है, आपने धीरे धीरे आपने रोज़ वाटर को या वाटर को ड्रिप करना है, और अपनी स्किन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्सफोलिएशन मशीन की मदद से ये पैक को रिमूव करना है। तो इस पैक के दौरान जब आप ये एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, ये जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से बाहर आ जाती है, और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और यंग दिखती है। तो आज हमने देखा किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप के लिए, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस के लिए आप मैंगो से ही कैसे एक्सफोलिएटर भी बना सकते हैं, क्रीम भी बना सकते हैं, और पैक भी बना सकते हैं। तो दिस समर सीजन एंजॉय मैंगो एंड लुक ग्लोइंग।